Okay, students, so today we are going to start the new chapter, that is magnetic effect of electric current. सबसे पहले हम लोग magnetic effect और magnetic effect से पहले हम लोग magnet को समझेंगे कि magnet क्या होता है. So the first topic is magnet. देखिए magnet क्या है. Magnet, this is a substance which attract a small piece of substance like iron, nickel, cobalt, etc. is called the magnet. Magnet एक type का substance होता है जो कि small piece of iron, nickel, cobalt इन सब type की चीजों को अपनी तरफ attract करता है. ठीक है, लिख सकते हैं It is a substance which attracts a small piece of iron, जरूरी नहीं कि small, बड़ा भी कर सकता है, iron, nickel, cobalt, etc. ठीक है, second thing, ये तो first पॉइंट हो गया आपका. सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो मैग्नेट हैज टू पोल्स. That is North Pole and South Pole. North Pole is denoted by N and South Pole is denoted by capital S. आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंगल आइसोलेटेड पोल जो है कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता. सिंगल आइसोलेटेड पोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ऐसा कोई मटेरियल नहीं होगा जिसमें सिर्फ नॉर्थ पोल हो. ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है. हमेशा हर मैग्नेट के पास दोनों ही पोल होंगे, नॉर्थ पोल होंगे और साउथ पोल होंगे. ठीक है, ईच पोल हैज इक्वल स्ट्रेंथ दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का मतलब अट्रैक्ट करने की शक्ति, तो ये दोनों के पास सेम होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास कम है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के पास अट्रैक्ट करने की जो ताकत है वो सेम रहती है. अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. अगर एक नॉर्थ पोल है, मान लो कि एक मैग्नेट है, इस तरीके से छोटा सा मैग्नेट बना देते हैं, यहां पे नॉर्थ पोल है और यहां पे साउथ पोल है, इसमें यहां पे साउथ है और यहां पे नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे.
ठीक है, लाइक पोल रिपल ईच अदर, इस एग्जाम्पल के लिए माय दो मैग्नेट है यहां पर, यहां नॉर्थ पोल है और यहां पर भी नॉर्थ पोल है, तो ऐसे सिचुएशन में इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, यानी कि दूर जाएंगे दोनों, ठीक है। आगे है प्रॉपर्टी विच मैग्नेट हैज इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म, मतलब वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरे आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ या दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपल कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिज्म। मतलब मैग्नेट के पास स्पेशल कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इन सारी चीजों को कर पाता है, तो वो है मैग्नेटिज्म। मैग्नेट हैज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम एक मैग्नेट ले लें और इसको हम ऐसे लटका दें, मैं डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं, एक मैग्नेट मैंने लिया, अब इसको धागे से बांध करके लटका देते हैं किसी फिक्स पॉइंट से, ये मैग्नेट का नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो हम देखेंगे कि ये मैग्नेट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाता है, जो मैग्नेट का साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ रुकता है, ज्योग्राफिकल साउथ मतलब डायरेक्शन वाला, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप कहते हो ना वो वाला, और नॉर्थ पोल मैग्नेट का वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ रुकेगा, ठीक है। अच्छा, यहां से एक बात समझ में आ गई कि मैग्नेटिक साउथ या मैग्नेटिक नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ और ज्योग्राफिकल नॉर्थ में अंतर है। ज्योग्राफिकल साउथ या नॉर्थ की जब हम बात करते हैं तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाला, और जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले नॉर्थ साउथ की बात करते हैं तो उसको मैग्नेटिक नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ लेने वाली है कि भले ही दोनों का नाम एक जैसा सुनाई देता है लेकिन दोनों एक नहीं है, डायरेक्शन वाला नॉर्थ अलग है और मैग्नेट वाला नॉर्थ अलग है, चलिए देखिए। मैग्नेट जो है दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट,
एक होता है नेचुरल मैग्नेट, या हम लोग कह सकते हैं उसको नेचुरल मैग्नेट कह दीजिए, क्या करना है? नेचुरल मैग्नेट मतलब एक्चुअल में नेचर में ही ऐसे स्टोन्स पाए जाते हैं जो आयरन लाइक पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको लोग बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट, ठीक है। एंड सेकंड होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, मतलब मैन मेड। जिसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग क्यों बनाते हैं, रीजन क्या होता है? तो देखो, रीजन ये है कि जो नेचुरल मैग्नेट होता है इसकी एक स्ट्रेंथ तो डिसाइडेड होगी, लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है इसको हम अपने हिसाब से, अपने साइज, शेप और स्ट्रेंथ के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे आपको मालूम है कि मैग्नेट का यूज मोटर में किया जाता है, मैग्नेट का यूज कई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में किया जाता है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, तो हमें आर्टिफिशियल मैग्नेट चाहिए जो अपने हिसाब से हम उसमें लगा सकें, तो इसलिए हम लोग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल में भी दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, टेम्पोररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट। नाम से समझ गए होंगे कि परमानेंट मैग्नेट जो है वो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर को रखेगा और हमेशा रखेगा, वो परमानेंट रहेगा उसके पास, और टेम्पोररी जो मैग्नेट है वो थोड़ी देर के रखेगा फिर छोड़ खत्म कर देगा। तो परमानेंट मैग्नेट में कौन कौन से मैग्नेट आते हैं, जैसे बार मैग्नेट, बार मैग्नेट क्या होता है, एक ऐसे बार के फॉर्म में रहेगा जिसको बार मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक निडल जो कंपास में यूज होता है ये भी परमानेंट मैग्नेट होता है। कैसा होता है कंपास वाला, तो ये तो इस टाइप का होता है ना, शायद ऐसे रहता है ना। ऐसे ही होता है हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट थोड़ा सा इस टाइप का होता है। ठीक है, यहाँ नॉर्थ सॉल्स के इस यहाँ पर होता है, तो ये हो गया हमारा हॉर्सशू मैग्नेट। अब जो टेम्पोररी मैग्नेट है वो क्या होता है, देख जैसे इसमें होता है सोलेनोइड, सोलेनोइड क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग उन लोगों को इसको पढ़ना भी है, सोलेनोइड बता रहे हैं। जैसे एक आयरन नल या आयरन की एक छोटी सी रॉड ले ली जाए, ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे कॉपर वायर लपेट दिया जाए, ठीक है, और इस कॉपर वायर में बैटरी कनेक्ट कर दी जाए,
तो हम देखते हैं कि ये जो आयरन रॉड है, आयरन, ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा और पतले पतले मतलब आयरन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। और जैसे ही हम लोग यहाँ स्विच ऑफ करेंगे, हम लोग तुरंत मैग्नेटिक बिहेवियर खत्म भी हो जाता है, स्विच ऑन करेंगे मैग्नेटिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, स्विच ऑफ करेंगे मैग्नेटिक की तरह बिहेवियर खत्म कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसको टेम्पररी मैग्नेट बोलते हैं, यानी कि ये तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब तक कि इसमें करंट फ्लो करता है, ठीक है। और इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, इसलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका यूज कहां करते हैं, इलेक्ट्रिक बेल, जो आपके घर की जो बेल होती है ना, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। और ऐसे बहुत जगह है जहां इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा, हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, मैग्नेट के बारे में। इस मैग्नेट के बारे में पढ़ते समय हमने अपने लास्ट टॉपिक में देखा है कि यहां लिखा है टेम्पररी मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब एक नया शब्द हम लोगों को सुनने को मिला, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब कि क्या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से मैग्नेटिक बिहेवियर आ सकता है? तो हाँ आ सकता है, आपको दिख रहा है सामने। हम लोगों को इस चैप्टर में यही पढ़ना है, हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने से कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होता है, किस किस तरीके से जनरेट होता है, इसको कहां पे हम यूज कर सकते हैं, इसी सब चीजों को हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से मैग्नेटिक इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने घर पर भी उसे करिएगा, नहीं थोड़ा सा रिस्की होता है क्योंकि उसमें हीट जनरेट होता है काफी ज्यादा, तो हम आपको ऐसी सलाह नहीं देंगे कि आप इसको करें, फिर भी हम आपको समझा दे रहे हैं कि ऐसा होता कैसे है। एक छोटा सा आयरन नल ले लीजिए, एक स्टील वाली कांटी आती है ना, वो 5-6 रुपए की एक मिलती, एक पीस मिलती है बड़ी वाली, इसमें से ले लीजिएगा, ठीक है, स्टील वाली कांटी ले लिया। अब इस पे कॉपर वायर लपेट देंगे, ठीक है, और ये जो वायर है इसको यहां पे थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि कनेक्टिविटी, जैसे इसके ऊपर पेंट होता है ना, उस पेंट को हटा करके यहां पे इसमें बैटरी कनेक्ट कर देंगे और एक स्विच लगा देंगे, स्विच लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, यहां थोड़ा आलपीन रख दीजिएगा, छोटा छोटा आलपीन, हम लोग देखेंगे जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तुरंत ये सारे आलपीन इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे स्विच ऑफ करेंगे थोड़े देर बाद सारे आलपीन नीचे गिर जाएंगे। इसका मतलब स्विच ऑन करते मैग्नेटिक बिहेवियर गेन कर लिया और स्विच ऑफ करते मैग्नेटिक बिहेवियर लूज कर दिया, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या ये टेम्पररी मैग्नेट होता है, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि परमानेंट मैग्नेट तो बढ़िया होता होगा, परमानेंट है ये, हमेशा के लिए है, बहुत बढ़िया चीज है। तो देखो यूज यूज की बात है, हमें जहां परमानेंट मैग्नेट का यूज करना होगा वहां उसका यूज करेंगे, जहां पे हमें टेम्पररी मैग्नेट का भी एक बहुत बड़ा यूज है, ठीक है, तो हम लोग वहां पे टेम्पररी मैग्नेट का यूज करेंगे, ठीक है।